पेशावर जलमी की जो दो शिकस्त आई उसके बाद ऐसा लगा आप हमें भूल गए? असल में ना वो प्रैक्टिस में चले गए थे कि जब हम प्रैक्टिस का हमें बड़ा महसूस हुआ कि जी हमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ। तो एक तो दो दिन वो मैचेस होते रहे और एक जो बीच वाला गैप का दिन था उस दिन भी हमारी प्रैक्टिस थी और एक दिन ना हमारी ट्रैवलिंग थी इसलिए मैं आ नहीं सका। तो वरना मुझे भी याद आ रही थी कि जी हाँ के जो मैं बातें उधर नहीं कर सकता था वो मैं इधर भी कर देता हूँ लास्ट टाइम, वो ये सुन के भी मेरी बात सुन लेते हैं के जी। तो नहीं हम जरा ये सोच रहे थे पता नहीं इंजी भाई कोई गुस्से में ना हो क्या हो गया पता नहीं। इमाम ने तो हमें वार्न कर दिया था कि नहीं अब जो है ना ज्यादा कोई बात बात ना कीजिएगा आप चाचू से बिकॉज अब तो वो गुस्से में होंगे। मुबारक हो माशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी का नौजवान साइम अयूब जो है वो पाकिस्तान टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गया है। जाहिर है हमने काफी इस हवाले से बातचीत भी की थी कि साइम को कितनी जल्दी टीम में लाना चाहिए या अभी फिलहाल उसको खिलाना चाहिए। मुख्तसर दौरा है, 3 T20s हैं, लेकिन चलें जी अच्छी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग के परफॉर्मर्स को जो है वो ये जगह दी। कल के प्रोग्राम में काफी तफसीली बात की थी, आप वहाँ पे थे नहीं, सो ओवरऑल मुतमईन है आप पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के हवाले से जो दौरा शारजा के लिए? देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक परफॉर्मर्स को इन्होंने जगह दी है, चलो ये एक अच्छी चीज है। हाँ ये बड़ा जरूरी सवाल है इस चीज पे कि आपको यंगस्टर्स को है ना किस टाइम मौका देना चाहिए। सही। कि ये सिलेक्टर्स को जरूर महसूस करना चाहिए क्योंकि अब ये पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार है, क्योंकि अक्सर ये भी हुआ है क्योंकि जी आपने ना बहुत अच्छे यंगस्टर्स को आपने उनको वक्त से पहले खिला दिया तो उनका कॉन्फिडेंस है ना थोड़ा सा शेक हो गया, जिसका बास तो ऐसे थे जो सारी जिंदगी अपना वो हासिल नहीं कर सके दोबारा। बिल्कुल। तो मैं उसका नाम लेता हूँ, मुझे बड़ा पसंद भी था वो प्लेयर, एक हसन रजा प्लेयर होता था, एक कराची का प्लेयर होता था शादाब खान, शादाब कबीर जी, ये दोनों बहुत अच्छे प्लेयर होते थे, इनको वक्त से पहले खिला के ना तो कर दिया, लेकिन चलो ये यहाँ खेल रहे हैं बड़ा अच्छा है क्योंकि जी ये दोनों खेल रहे हैं और जिस तरह स्टाफ अनाउंस किया वो भी यंग किया है और उसके लिहाज से ये बड़ा अच्छा है कि जिस तरह अब्दुल रहमान है या उमर गुल है कि ये इन लड़कों के साथ काम कर रहे हैं और ये बड़ा अच्छा है कि ये इनके जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, इनको पता है कि इनको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। अब्दुल रहमान का बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है, जिस तरह अभी मिस्बा कह रहे थे कि इस चीज को नहीं देखना चाहिए कि इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है या नहीं खेली, ये हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए देखते थे मिस्बा, बाहर से गोरे बड़े आए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं भी खेली हुई तो वो हमारे से कोचिंग करते रहे हैं, तो ये अच्छा है कि जी पाकिस्तान ने ना पाकिस्तानियों के लिए भी ये कर दिया। अगर कोई आदमी बिल्कुल कोचिंग में अच्छा काम कर रहा है और अच्छा डिलीवर कर रहा है तो उसको जरूर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और गुडलक है इस चीज के लिए कि हमारे जो ये नए लड़के हैं नया कोचिंग स्टाफ है ये अच्छी परफॉर्मेंस दें, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा हमारा। और एक चीज बहुत अहम है, जिन 5 लोगों को रेस्ट दिया है ना तो उनको भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए और उनकी मर्जी से याली चीजें होनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस है ना उनका रहना चाहिए, ये ना कि जिस टाइम वो वापसी आए तो थोड़ा सा जरा मुश्किल हो पाकिस्तान पे ना याली चीज थोड़ी सी, जो लड़कों को रेस्ट दिया जाते हैं वो अपने आप को इतना सेफ महसूस नहीं करते, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस में लेना ना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारे मेन प्लेयर भी हैं और उन्होंने पाकिस्तान को बड़े लंबे अरसे से सर्व किया है। बिल्कुल इंजी भाई, फिर मतलब फिर आपसे ये पूछना मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वैलिड होगा क्योंकि इस वक्त आप सबसे ज्यादा क्लोज हैं, बाबर आपकी टीम के अंडर आपकी टीम में खेल रहा है, लीड कर रहा है, इतनी सारी जो अफवाहें हैं, मतलब मैं तो जब तक वो सोर्सेस से बात आती जब तक सॉलिडली नहीं आती आई वुड से अफवाहें हैं कि बाबर से बात नहीं की गई थी और जो सारा एक पूरा जो पिछले 4 दिनों से ड्रामा चल रहा था, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मेरे ख्याल में इन्होंने कब सारे प्लेयर्स से ना बात भी की थी कि जी मेरे ख्याल में शादाब के अलावा किसी और से भी बात की थी कि जी अगर उसको कप्तानी दी जाए उसको दी जाए। तो ये आप बैठ के ना अगर आप अपने कप्तान के साथ ही बैठ के याली चीज करते कि जी हम कुछ नए लड़कों को देखना चाह रहे हैं तो कौन से लड़के हैं, कि अब कप्तान से भी ये पूछना चाहिए कि लड़के कौन से हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये बड़ा जरूरी चीज है इस चीज की, ये मैंने ये 2017-18 का वर्ल्ड कप था या 19 का वर्ल्ड कप था
उससे पहले मैंने 9 लड़कों को रेस्ट दिया था जी, कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि जब लड़के मुसलसल खेलते हुए आ रहे थे, कोई 3.5 महीने हो गए थे, लड़के अपने घर नहीं गए हुए थे, तो मैंने 9 लड़कों को रेस्ट दिया था। उस टाइम मैं सिलेक्शन में था जी, तो लेकिन मैंने ये कहा कि सरफराज के साथ बैठ के ना, क्योंकि जी उसको कि भाई आपने ना किस लड़कों को है ना रेस्ट देना है, किसको हमने खिलाना है। उसमें रिजवान ने भी 2 सेंचुरियां की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वहां मैंने मिकी आर्थर को भी ये कहा था कि मिकी आर्थर तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए, और जो हमारा दूसरा स्टाफ है उसको भी रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अब ये मिस्बा ने कोचिंग अब की है तो इसको भी आइडिया होगा कि जिस दिन ये भी सीरीज पूरी करते, इन पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बल्कि खेलने से ज्यादा आपको स्ट्रेस होता है, क्योंकि जो कोचेज वगैरह होते हैं उनको भी रेस्ट की जरूरत होती है। तो रेस्ट आपको देना चाहिए, लेकिन अपने जो मेन प्लेयर्स हैं उनसे पूछ के देना चाहिए कि जी आपने किन लड़कों को ट्राई करना है, कल किन लड़कों को आप देख रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे ख्याल में ये वाला प्रोसीजर किया नहीं गया, तो अगर किया गया होता तो मेरे ख्याल में सारों को पता होना चाहिए था ये। जाहिर सी बात है, कम्युनिकेशन, हम बार बार कहते हैं कम्युनिकेशन गैप एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट में, इस वजह से प्लेयर्स भी इनसिक्योर होते हैं, कम्युनिकेशन भी नहीं होता। दो के कल सेठी साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुसलसल बाबर को बहुत सपोर्ट दिखाया और बहुत ये कहा कि नहीं जी वही हमारे कप्तान हैं। बट मैं कुछ साल पीछे जाती हूँ तो मुझे ये याद आता है कि एहसान मानी ने सरफराज को बराबर बिठा के कहा था कि ये हमारा कप्तान है, ये हमारा कप्तान है। जी इंजी भाई, जी जी मैं कह रहा हूँ कि ये वाली बात इतनी दफा कहने की जरूरत क्यों पेश आई? Exactly. यही क्योंकि जी यही हमारा कप्तान है, ऐसी कोई चीज नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली बात इतने कहने की जरूरत थी। तो इसका मतलब है कि जी बीच में एनसी भाई होता यह है कि क्योंकि हम जब खेलते थे तो बहुत सारी चीजें जो सोर्सेस की बातें होती है ना, प्रॉब्लम बोर्ड के अंदर से होता है, बोर्ड के अंदर से चीजें निकलती हैं, मुख्तलिफ मुंह से मुख्तलिफ बातें निकलती हैं, तो सोर्सेस क्या होती हैं, पीसीबी के अंदर से ये सारी चीजें निकलती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम बनती है और चेयरमैन को ये बातें करनी पड़ जाती हैं। फिर लाला प्लेयर्स खुद भी तो सोर्स होते हैं ना, हर प्लेयर का अपना एक ग्रुप होता है जर्नलिस्ट का जिनके वो बड़ा करीब होते हैं और ज़ाहिर है अंदर की खबरें वहाँ पे आ भी रही होती हैं। देखें कितनी अजीब सी बात होती है ना, हम तो मजाक में ये बोलते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में कभी कोई अफवाह नहीं होती, और अभी जो ज़ाहिर खबर मार्केट में आ रही है और इंजी भाई ने जिसका थोड़ा सा हिंट भी दिया है कि शायद किसी और खिलाड़ी को भी कप्तानी की ऑफर दी गई थी और उसने स्टेप बैक किया है कि नहीं जी मैं कप्तान नहीं करना चाहता, उसी के कप्तानी नहीं करना चाहता, उसी के इन पैरेलल जो है ट्विटर पे एक तस्वीर भी अपलोड होती है जिसमें वो 4 खिलाड़ी जो हैं वो खड़े हुए नजर आते हैं। आई मीन आई थिंक प्लेयर्स कनेक्ट द डॉट्स, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, आई थिंक वी ऑल कैन कनेक्ट, एवरीथिंग इज नॉट रोजी आउट देयर, हर चीज वो है नहीं जितना पुर एतमाद सेठी साहब नजर आ रहे थे, हर चीज शायद इतनी कंफर्टेबल है भी नहीं, वल्ला आलम जी। मेरे ख्याल से आई थिंक देखिए अभी जैसे आदिला बात कर रहे हैं, जी 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 आदिला बात कर रहे हैं, सॉरी इंसी भाई आप प्लीज आप बात करें पहले, नहीं नहीं प्लीज प्लीज शायद आप कहो, आपके बात कहता हूं। वो अभी जैसे सवेरा से भी मेरी बात हो रही थी, उस दिन भी कह रहे थे कि शायद जो है वो लॉबिंग कर रहा है शाहीन के लिए ये वो ना, खैर मेरा तो क्रिकेट बोर्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना मैं इन कामों में पढ़ता हूँ, बल्कि सवेरा को मैंने कहा भी था कि मैं तो शाहीन को दूरी रखने की कोशिश करता हूँ कि कप्तानी से दूर रहो, अपनी क्रिकेट पर फोकस करो, साल 2 साल देखे अभी शाहीन से मेरी अभी 4-5 दिन बाद अब आज बात हुई है मेरी, और मैंने उससे पूछा कि क्या है सारा कुछ, कहते हैं लाला मुझसे तो अभी तक किसी ने नहीं पूछा कि आपने कप्तानी करनी है और कोई ऑफर मुझे हुई है, कह रहा मेरी कोई ऑफर नहीं, मैंने पीएसएल के बीच में ही सोच लिया था कि मैंने अफगानिस्तान के खिलाफ रेस्ट करना है, मैंने तो खेलना भी नहीं था, ठीक है ना, मैंने खेलना भी नहीं था, मैंने रेस्ट करना, मैंने वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करनी है, मेरी नी पे लोड आ रहा है, मैं चाह रहा था कि रेस्ट भी करूं और आफ्टर पीएसएल मैं अपनी ट्रेनिंग्स दोबारा शुरू करूं, रिहैब दोबारा शुरू करूं ताकि वर्ल्ड कप में स्ट्रांग हो जाऊं। Right. तो ये जो बातें निकलती हैं अंदर से निकलती हैं।